श्री राम मित्रों, रामचरितमानस की यहाँ तक की कथा मैं आप सभी को सुना चुका हूँ कि संपाति अपने भाई जटायु की मृत्यु का समाचार पाता है और वानरों को यह बताता है कि माता सीता को लंका का रावण राजा रावण उठाकर ले गया है और उसे अशोक वाटिका में रखा हुआ है। आज का प्रसंग है समुद्र लांघने का परामर्श, जामवंत का हनुमान जी को बल याद दिलाकर उत्साहित करना, श्री राम गुण का महात्म्य। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो मैं तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो 100 योजन 400 को समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निदान होगा वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरे धरो। देखो, श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया, बिना पाख का बेहाल, पाख उगने से सुंदर हो गया। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत पार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अंतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। काकविशुंडी जी कहते हैं, हे गुरु जी, इस प्रकार कहकर जब गीध चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। ऋक्षराज जामवंत कहने लगे, मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उनके शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद ने कहा, मैं तो पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। ऋक्षराज जामवंत ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप पिसाद रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में कौन सा कठिन कार्य काम है, हे तात, तुमसे न हो सके। राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार अत्यंत विशाल काय हो गए। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल ही खेल में लांग सकता हूँ और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे ऊँची सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। जामवंत ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देख कर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे, तब देवता और नारद मुनि भगवान के तीनों लोकों की पवित्र करने वाली सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं और जिसे श्री रघुवीर जी के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। श्री रघुवीर जी का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बाधिक व्याधा के समान है, उन श्री राम जी के गुण समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मासाप्राण 23वां विश्राम। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलिकुल विध्वंसे चतुर्थम सोपान समाप्तम। कलियुग के समस्त पापों को नाश करने वाले रामचरितमानस का यह 4था सोपान समाप्त हुआ, किष्किंधा कांड समाप्त। मित्रों, रामचरितमानस कि यहाँ तक की कथा मैंने आपको सुनाई है। यदि अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।